हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा पीसी या फिर लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, चलाते चलाते क्या होता है कि वो स्लो चलने लगता है, स्लो वर्क करता है। तो आप सभी को पता नहीं ये नॉलेज होगा कि नहीं होगा कि हमारा जो पीसी या फिर लैपटॉप जब हम उसको रन कराते हैं तो क्या होता है, बैकग्राउंड में हमारा जो प्रोसेस होता है तो उसके थ्रू कुछ फाइल क्रिएट होती हैं, टेम फाइल क्रिएट हो जाती हैं, जिसके वजह से हमारा जो है पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है वो स्लो चलने लगता है। तो आज हम यही सीखेंगे कैसे अपने पीसी को क्लीन करेंगे, कैसे टेम फाइल को डिलीट करेंगे, कैसे अपने पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रन। तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सिंपली जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे परसेंट TEMP टेम्प और परसेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो देखेंगे हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारी फाइल हैं, हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल ए और शिफ्ट डिलीट के साथ में इसको डिलीट करेंगे। ये इस शिफ्ट डिलीट करने से ये होता है कि ये हमारा रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, तो हमें दो बार इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली मतलब हमारे पीसी से ही डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में जाता ही नहीं है। तो शिफ्ट और डिलीट प्रेस कर लेंगे और यहाँ से एस करके यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ से कट कर लेंगे। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, उसके बाद टाइप करेंगे रन, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेफेच। हम प्रेफेस करके इंटर कर देंगे तो देखेंगे हमारा बहुत सारा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो हमें इसे सिंपली डिलीट करना है। कंट्रोल ए, शिफ्ट डिलीट, इंटर, इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। ये डिलीट करने के बाद फिर से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, हम इसका जो शॉर्टकट है विंडो प्लस आर, जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होकर आएगा रन का। उसके बाद हम यहाँ पर ट्री सर्च करेंगे और इसको इंटर कर देंगे। तो देखेंगे हमारा जो पीसी पूरा स्कैन हो रहा है। उसके बाद फिर हम विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे सिंपली टाइप करें और टाइप करें यहाँ पे टेम्प, TEMP टेम्प, इसको भी हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं, जो वेस्ट है, कैचेस फाइल है, वो सब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे हम सी ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है डिस्क क्लीनअप, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, टेम्पररी इंटरनेट फाइल, यहाँ से सारी चीज़ें हम डिलीट कर लेंगे, रिसाइकल में भी सिलेक्ट कर लेंगे सब चीज़ें। जो भी आपको जो भी लगता हो कि आपका अगर कोई काम का चीज़ नहीं है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पर क्लीनअप सिस्टम फाइल पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है डिलीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका देखिए टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन कितना हो गया है 47.7 MB और यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ से फाइल को डिलीट कर देंगे। तो सिंपली हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सब डिलीट हो चुका है। तो आप एक बार दोबारा इसको अपने सिस्टम को आप रिस्टार्ट कर लीजिएगा तो आपका पीसी जो है काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, काफ़ी फास्ट वर्क करेगा, पहले से बेटर वर्क करेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।